Hey everyone, this is Gharis Javed and this is our sixth lecture of PHP programming in which we will be working on variables. तो इसमें हम variables पे work करेंगे, variables के बारे में देखेंगे कि variables basically होते क्या हैं. Variables are those basically where we can store our data. So इसकी example भी आज हम देखेंगे. So let me open Sublime because किसी reason की वजह से मेरा atom जो था वो crash हो गया था. तो अभी मैं सबलाइम पे करा रहा हूँ. मैंने सबलाइम में इंस्टॉल करना बताया था कि सबलाइम कैसे इंस्टॉल करते हैं. सबलाइम बेसिकली पेड है, वर्जन है. अगर आपके पास सबलाइम नहीं है, एटम नहीं है, तो आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं. सो हमारे पास एक ही नॉर्मल प्रोग्राम है, सही, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. सो यहाँ पर डॉलर, यहाँ पर लिखते हैं character. So let me show you something. So basically यहाँ पर हमारे पास एक कैरेक्टर है मोहम्मद, जिसकी एज है 17 to 19. सो अब हम जहाँ भी मोहम्मद इस्तेमाल करेंगे, हमें उसकी एज वहाँ पे डालनी पड़ेगी. हमें बार बार मोहम्मद के बारे में बताना पड़ेगा कि ये नाम है, ये एज है. तो इसका सबसे जो एक इजी तरीका है वो है वेरिएबल्स के थ्रू, जिसमें हम एक बार लिखें और बार बार जो है जहाँ भी हम वो कमांड यूज़ करें वहाँ उसका नाम आ जाए और फिर उसकी एज वगैरह सब आ जाए. सो स्टार्ट करते हैं उसको. यहाँ पर उस पर हम डॉलर का साइन लगाते हैं. कैरेक्टर नेम. सबलाइम में एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर हमारे पास सजेशंस नहीं आते. तो सबलाइम में हमारे पास ये प्रॉब्लम आ सकती है कि सजेशंस ना आए. तो इसके लिए फिर विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं. बट जिसको इससे सबका अपना अपना होता है, जिसको इससे आसानी हो ये यूज़ कर ले, जिसको विजुअल स्टूडियो से लगता है विजुअल स्टूडियो से ले. एटम बार बार क्रैश हो रहा था, इसी वजह से एटम मैंने नहीं किया यूज़. सो यहाँ पर हम एक इन्वर्टेड कॉमा डालते हैं, इसमें लिखते हैं मोहम्मद, देन सेमी कोलन. रिकॉर्ड ऑर्डर का साइन यहाँ पर हम लिखते हैं कैरेक्टर एज. ओके, कैरेक्टर एज. सो ये है 17 to 19. एंड यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हमने लगा दिया और यहाँ पर एक इन्वर्टेड कॉमा हमने लगा दिया. सो अब हम इसको सेव करते हैं. हमने एटम की वजह से बार बार आ रहा है, फिर मैंने एटम लगाया था इंस्टॉलेशन पर. एनीवेज इसको हमने सेव किया. देन हमने यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ था यहाँ पे. सो अगर हम दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी वेरिएबल्स की कैरेक्टर एज ये पूरा अप्लाई हुआ है. सिंटैक्स एरर, तो ये सिंटैक्स एरर दे रहा है. सो वो एरर क्या है अभी हम देखते हैं. अगर हम यहाँ पर आते हैं, कुछ करते हैं ओपन कर लेता हूँ. जब तक ये ओपन होता है मैं आपको बता देता हूँ कि सिंटैक्स एरर क्या था. सो ये अभी यहाँ पे क्लोज हो गया, तो अभी लोकल होस्ट क्लोज हो गया. सो यहाँ पर दोबारा से ओके. सो इसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा ओपन करना पड़ेगा.
हमने ओपन कर लिया पीएचपी डैश एस लोकल होस्ट कोलन सो स्टार्ट हो गया। ओके सो इसने हमें बताया है यहाँ पे कि हमारी जो लाइन नंबर फ्रेज एरर सेंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एको टी एको लाइन नंबर 14। ओके सो हम देखते हैं क्या एरर है। एरर बेसिकली यहाँ है जो मुझे लग रहा है एरर यहाँ है। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जा रही है इसकी मोहम्मद की कमिंग बैक। सो कमिंग बैक टू दिस यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे मोहम्मद और ये मैंने टेस्टिंग की यहाँ पे। ओके अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर लगा दूँगा डॉलर डॉलर का साइन डॉलर कैरेक्टर नेम इसके बाद डॉलर डॉलर कैरेक्टर एज इसको मैं करता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं जब वापस आता हूँ अपनी साइट पर सो हम यहाँ पर जब रिफ्रेश करेंगे इसको तो हम देख सकते हैं कि कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर एक और मैंने इसको यहाँ से सेम कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया दिस वॉज मेड बाय। ओके लोकल होस्ट ओपन करते हैं। ओके दिस वॉज मेड बाय मोहम्मद एको हूज एज इज कैरेक्टर एज रिफ्रेश। ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी वेरिएबल्स देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि पूरा हमारे पास आ गया। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड फॉर दिस क्लास। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द ओमनी अकेडमी चैनल। दिस इज़ द बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यू फॉर फ्री यू कैन लर्न हियर प्लीज सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो व्हेनेवर द वीडियो विल बी अपलोडेड यू विल बी नोटिफाइड। थैंक यू सो मच।